पिंकी और ये मिंकी स्वागत करते हैं। वाओ, कॉफी फेस ग्लैमर। लेकिन ये तो क्लियर कीजिए कि चिंकी कौन है और मिंकी कौन है। अरे अभी तो बोला कि मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। खैर ये बताइए कि आप यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ बड़े फेवरेट स्टार्स को देखने आई हूँ। ओह अरे वाह, क्या बात है। कौन से टीवी शोज देखती हैं आप लोग? कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, कसौटी जिंदगी की, तारा फ्रॉम सितारा, तारक मेहता उल्टा चश्मा, पटियाला बेस, ये रिश्ता क्या कहलाता है, गुंडन तुमसे ना हो पाएगा, बेहद नजर और इंडियन आइडल, बिग बॉस, कौन बनेगा करोड़पति। आप लोग कपिल शर्मा शो नहीं देखती हैं? उसमें तो हम आते हैं ना बुद्धू। आपने मुझे बुद्धू क्यों बोला? मैंने थोड़ी बोला, इसने बोला। अच्छा जिसने भी बोला, चलिए सॉरी बोलो। अरे जो मैंने बोला ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? इससे कहो ये बोले। मैं यहाँ बड़े खास काम से आई हूँ, एक टीवी एक्टर मुझे बहुत पसंद है, उसे प्रपोज करने आई हूँ। एक मिनट, ये आपको पसंद है या फिर आपको पसंद है? मुझे पसंद है, इसका पता नहीं। कपिल भाई, अभी पता चला कि आप लड़कों को साड़ी क्यों पहनाते हो, जब असली वाला ग्लैमर इतना कंफ्यूज करता हो तो नकली से काम चलाना बेहतर है। कौन है वो खुश नसीब बंदा? वो बहुत अच्छा एक्टर है, टीवी पे आता है। टीवी पे एक्टर ही आते हैं, कोई प्लम्बर और कारपेंटर तो आते नहीं है। साफ साफ बताइए ना कौन है वो? वो क्यूट है, स्मार्ट है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, विटी है, कुल मिलाके मेरा चोना बाबू है। चोना बाबू, मैंने उसका बायोडेटा नहीं पूछा, आप सीधा सीधा नाम बताइए ना कौन है वो। हमारे यहाँ रिवाज है कि जिस लड़के से प्यार करते उसका नाम नहीं लेते। ओ मैडम, ये कहीं का रिवाज नहीं है, ये तो अपनी बीवियां जो है वो अपने पतियों के लिए करती हैं। हाँ तो मैं उसे अपना पति ही मानती हूँ। आप पति मानती हो या फिर आप पति मानती हो? मैं तो मानती हूँ, इसका पता नहीं। ये ना हो कि तुम लोगों के चक्कर में मुझे जो कुछ पता है मैं वही भूल जाओ। एक काम करें, एक ऐसी कुछ चीज बताइए जिससे साफ साफ पता चल जाए कि वो कौन है। आजकल वो इंडियन आइडल होस्ट कर रहा है। अरे क्या बात है, आपको मैं पसंद हूँ। हे भगवान, यहाँ तो एक भी लड़की नहीं फंस रही थी, यहाँ तो डायरेक्ट दो से प्रपोज मिल गया। अरे तो एक मिनट, दोनों ने कब प्रपोज किया? सिर्फ इसने किया। मतलब क्या, तुम इसे पसंद हो? मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं हो। अरे अभी तो तुमने कहा था कि तुमको मैं पसंद हूँ। मैंने थोड़ी कहा था, इसने कहा था। मैं हंसू या रो? अरे अभी तो आपने कहा था कि आप दोनों में से कोई एक है। दो कहाँ है, मैं तो एक ही हूँ। मुझे चक्कर आ जाएंगे। इतना तो हमारे डेली सॉन्ग भी कंफ्यूज नहीं करते जितना इन दोनों ने मुझे कर दिया है। तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, हम लड़कियों को समझते ही नहीं हो, सारा मूड खराब कर दिया। मैं जा रही हूँ, अब तुम्हें कपिल शर्मा ही देखेंगे। अरे वो मुझे क्यों देखेंगे? अरे तुम इंडियन आइडल कर रहे हो, उनका फेवरेट शो है, उसमें देखेंगे।